फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबा दें। इससे जो भी नया वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और एक बार कंफर्म कर लें कि आपका बेल आइकन इस तरह से प्रेस होना चाहिए। आप हमारे चैनल डायनेमिक नॉलेज गुरु पे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सीटेट, यूपीटेट और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्ज़ाम जो भी एसएससी या बैंकिंग या फिर आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, उसमें एक क्वेश्चन डांस से आना तो तय ही तय है। डांस का क्वेश्चन एक ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करेंगे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया की। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो जाती है। हालांकि लिमिटेड डांसेस क्लासिकल डांसेस होते हैं, फोक डांसेस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों की हम करेंगे बात आज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्लासिकल डांस कितने टाइप्स की होते हैं। तो क्लासिकल डांस को यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी जो होता है वो डिफाइन करता है कि कौन सा जो डांस है वो क्लासिकल डांस है। तो यहाँ पे अभी तक हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हैं टोटल, ठीक है, 8 क्लासिकल डांसेस यहाँ पे हमारे हैं। और यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे इस फाउंडर इसका कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट की है। और ये 31 मई 1952 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करता है। और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और संगीत नाटक एकेडमी को इंग्लिश में कहते हैं द नेशनल एकेडमी फॉर म्यूज़िक डांस एंड ड्रामा। तो ये क्या करता है, ये सेटअप करता है आर्ट और कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है बाय द हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 8 क्लासिकल डांसेस हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इनको हम थोड़ा मतलब ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम डिटेल में ज़रूर जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे कौन कौन सा मतलब डांस है, तो सबसे पहला डांस यहाँ पे भारतनाट्यम। भारतनाट्यम डांस आप लोगों ने कई बार एग्ज़ाम में देखा होगा। मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में ये डांसेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो भारतनाट्यम है ये डांस, तमिलनाडु का डांस है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हैंड जो जेस्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 लोग डांस कर रहे हैं, इनके हैंड की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भारतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का डांस है, इसे हमें नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसे देख सकते हैं कि जैसे भारत भारत है तो भारत के लास्ट में क्या है, तमिलनाडु आता है, तो यहाँ से तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम और भारतनाट्यम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल। यहाँ पे बात को हमें समझ लेना है कि भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का डांस है। साथ ही साथ आप रिवाइज़ करते हुए चलेंगे तो देखो ऐसा है कि ये डांसेस कई बार हमने पढ़े होंगे, अभी तक शायद 10 से 15 बार डांसेस पढ़े होंगे, लेकिन क्या होता है तब भी इनमें कन्फ्यूज़न्स हो जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा ढंग से पढ़ना है चीज़ों को। जब थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा टाइम के लिए सेव रह जाएंगे। जैसा कि अभी हाल में ही हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी की थी, तो उसमें मेमोरी टेस्ट के मतलब जरिए हम क्या क्या चीज़ें याद कर लेते थे, ये तो तब भी रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ तो अनरिलेटेड चीज़ें भी हम याद कर लेते थे। चलिए मोहिनीअट्टम देखते हैं, ये डांस है केरला का और ये वुमेंस के द्वारा ही परफॉर्म किया जा सकता है। और इसमें फेसियल एक्सप्रेशंस इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फेसियल एक्सप्रेशंस रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो और भी आप अगर फ़ोटोज़ देखेंगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा, मतलब एक तरीके से कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा सीड्यूसिंग एक्सप्रेशंस रहते हैं मोहिनीअट्टम में, ठीक है। तो ये केरला का डांस है, तो मोहिनीअट्टम केरला का डांस है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है, केरला का डांस है मोहिनीअट्टम। चलिए अगला देखते हैं, अगला डांस है कथक। कथक डांस कहाँ का है, कथक डांस नॉर्थ इंडिया का है। और कथक डांस मेनली यूपी में कह सकते हैं कि यूपी का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि कथक डांस क्या होता है कि
पंजों के बल पे डांस मतलब ज़्यादातर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे। और दूसरी बात है कि पैरों में घुंघरू बंधे हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कत्थक डांस है यूपी का, यहाँ पे घुंघरू बंधे हुए हैं। और डांस बहुत ही ज़्यादा स्लो म्यूज़िक में स्टार्ट होता है, और आगे मूवमेंट है उसका वो भी बहुत ज़्यादा वेरी होता है, और स्पीड में बाद में लास्ट में जब एंड होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से डांस होता है। मतलब कह सकते हैं कि सॉफ्ट म्यूजिक में बहुत स्टार्ट होता है और बाद में बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कथक डांस अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में यूपी में, यूपी का फेमस डांस है। चलिए देखते हैं अगला, कथकली। कथकली डांस कई बार आपने एग्ज़ाम में देखा होगा कि कथकली डांस से क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो कथकली डांस ये कहाँ का डांस है? कथकली डांस है ये केरला का। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस डांस की क्या खासियत है ये चीज़ हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक स्टोरी प्ले मतलब गेम मतलब स्टोरी को प्ले किया जाता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल होते हैं, जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव रोल कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये एक मतलब आर्टिस्ट है, तो इसमें मतलब जो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो ये है, एलेबोरेटली कलरफुल मेकअप कॉस्ट्यूम्स एंड फेस मास्क। मतलब फेस पे देखो कितना ज़्यादा मेकअप है, यहाँ पे देखो इस तरीके से इनका फेस भी ओपन नहीं हो पाता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब साइलेंट यहाँ पे रहते हैं ये लोग, और यहाँ पे इनका जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह है ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिफरेंट है बाकी डांसों से, ठीक है। तो कथकली यहाँ पे केरला का एक डांस है, और यहाँ पे मतलब फेस जो इनका मेकअप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस डांस में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कथकली को हम याद कर लेंगे, कथकली केरला से, ठीक है। चलिए अगला डांस देखते हैं, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? कुचिपुड़ी ये एक आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी विलेज से ओरिजिनेट हुआ है डांस, और ये आंध्र प्रदेश का डांस है। तो देखो यहाँ पे कुचिपुड़ी और कथकली से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो कुचिपुड़ी डांस है ये हमारा आंध्र प्रदेश का डांस है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है डांस में? यहाँ पे इस डांस में सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक ब्रास प्लेट के ऊपर डांस किया जा सकता है, जैसे कि ये एक लेडी डांस कर रही है और यहाँ पे ब्रास प्लेट के ऊपर कर रही है। और कई बार ये होता है कि पॉट ऑन सॉरी हर हो हिज की जगह हर होना चाहिए हर हेड, यहाँ पे इसके हेड पे क्या होता है एक ब्रास का पॉट भी होता है। इस तरीके से डांस आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। तो कुचिपुड़ी डांस हमारा हो गया आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला डांस है उड़ीसी। उड़ीसी डांस इसे तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये देख के लग रहा है कि उड़ीसा का डांस है उड़ीसी। तो ओडिसी डांस उड़ीसा का हो गया। इसमें क्या है कि ये भारतनाट्यम की तरह कुछ कुछ सिमिलर लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हैंड मूवमेंट वगैरह कुछ कुछ उसी तरीके के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उड़ीसी डांस और भारतनाट्यम बिल्कुल डिफरेंट है, आप अगर इसका वीडियोस देखेंगे तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा। तो यहाँ पे उड़ीसी डांस है वो उड़ीसा का है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, अगला डांस है सतरिया डांस। कई बार आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा कि सतरिया डांस के बारे में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सतरिया डांस आसाम का एक डांस है, इस चीज़ को आपको दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। सतरिया आसाम का डांस है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, मणिपुर का डांस है। और यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस डांस की खासियत है यहाँ की ड्रेस। तो यहाँ पे ड्रेस देख सकते हो कि इनका ड्रेस कितना डिफरेंट है, और इसी वजह से इनका ड्रेस इतना डिफरेंट है। हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मणिपुरी डांस में क्या है, कृष्ण और गोपियों की मतलब गोपियों का वो यहाँ पे प्रोग्राम दिखाया जाता है। तो इसमें जैसे कि देख सकते हो ये श्री कृष्ण और ये गोपियाँ हैं, इनका प्रोग्राम दिखाया जाता है। और दूसरा है कि इसमें क्या है, स्लो बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट ऑब्वियसली ये बात है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर ड्रेस बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनिक है और इसमें फास्ट मूवमेंट नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है आर्म मूवमेंट एंड फिंगर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि आर्म्स और फिंगर्स का जो इनका मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से मणिपुर डांस हमारा
मतलब मणिपुरी डांस है वो मणिपुर का हो गया। और चलिए अब एक बार में इसको रिवीजन कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, सबसे पहले पढ़ा था भरतनाट्यम, तमिलनाडु का डांस है। मोहिनीअट्टम ये केरला का है, जिससे खाली फीमेल परफॉर्म करते हैं भरतनाट्यम में, मतलब जो हमारे हैंड मूवमेंट हैं, गेस्चर्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगला है कथक, यूपी और एंड वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न नहीं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया होना चाहिए, तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया होना चाहिए। और कथक कली केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कथक कली है केरला का और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसे मतलब अगले वीडियो में ऐसा है कि जो जब फोक डांसेस बताएंगे तो उसके साथ में इनका एक ट्रिक ऐसा बता देंगे कि एक ही आपको स्टेटमेंट में क्या होगा, सारे का सारा ये आठों डांस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो कथक कली केरला और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में यहाँ पे उड़ीसी उड़ीसा का और सतरिया आसाम का। इसमें बिल्कुल सतरिया में कंफ्यूज नहीं होना है, और स्टार्टिंग के दो हैं इनमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और मणिपुरी मणिपुर का, तो इतना तो कि मतलब यहाँ पे तो क्लियर हो गया, इतना कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो गलतियाँ होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, आपने भी ये गलतियाँ की होंगी, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो गलतियाँ आपसे होंगी वो सबसे पहले तो आपसे गलती ये हो जाती है कि भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम में आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये तमिलनाडु, ये केरला का है, ठीक है। केरला के यहाँ पे दो हमारे डांसेस होते हैं क्लासिकल डांसेस में, मोहिनीअट्टम और कथक कली, ठीक है। अब हमें कथक कली और कुचिपुड़ी को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। बचा कथक, कथक में पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, ये हमारा कहाँ का है? यूपी का। उड़ीसी उड़ीसा से क्लियर है, मणिपुरी मणिपुर से क्लियर है। बचा सतरिया, सतरिया कहाँ का हो गया? आसाम का, ठीक है। तो फ्रेंड्स मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस मतलब आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी का मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और प्रैक्टिस करते रहें। ओके, बाय बाय।